तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो रसल वाइपर है, इसको हम लोग नदी पर लेकर आए हैं और दोस्तों इसको पानी पिलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसको हाथ से पानी पिलाना बहुत डेंजर हो सकता है। और दोस्तों देखिए तभी से पानी पिया भी है और देखिए पी भी रहा है। देखिए इसका जो जबड़ा है यहाँ पर चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ये पानी को पी रहा है। और जो कुएँ में रहने की वजह से ये पानी बहुत प्यासा वासा था, मुझे पूरी तरह पता था। देखिए इसको पानी पिलाने के लिए मैं लाया हूँ और देखिए लगभग पानी बहुत ज़्यादा पिया है। और देखिए अब जाके थोड़ा इसको कुछ राहत हुआ है, तो इसको दोस्तों देखिए इस नदी पर लाना ही मैंने उचित समझा पानी पिलाने के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों अभी इसको कुछ देर और पानी पिला के फिर मैं इसको दोस्तों चिड़ियाघर जो है अपना गोरखपुर वहाँ पर लेकर जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों इसको इधर छोड़ना उचित बात नहीं है। तो मैं जाऊँगा उधर इसको देने के लिए ताकि ये आराम से अपना जी पाए और लाइफ सर्वाइव कर पाए। आप देख सकते हैं पानी पिया है और इसको हम लोग लेकर अब जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं देख सकते दोस्तों कितना डेंजर है सांप, है कितना खतरनाक लग रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इसको लेकर चलते हैं चिड़ियाघर में और आपसे वीडियो के अंदर बने रहिए। और चलिए मैं दिखाते हैं इसको कौन लेते हैं और कहाँ लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जू है। आप लोग पूरा मैं दिखा देना चाहता हूँ। हम लोग आए हैं सांप को देने, वो रसल वाइपर को देने के लिए। देखिए यही वो जू है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। अभी हम लोग बाहर ही खड़े हैं, किया था। और उसको देखिए उसको अपने जो क्षेत्र है कुशीनगर में उधर कहीं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो सांप इधर रह ही नहीं पाएगा। तो देखिए मैं पढ़ने में जू में हूँ, ये जो अपना गोरखपुर का सबसे बड़ा जू है मैं यहीं पाया हूँ। और दोस्तों इसी में जो फॉरेस्टर साहब है यहीं पर मैं जमा कर दिया हूँ सांप को, क्योंकि दोस्तों वो मतलब सरकार लोग हैं ये सब, तो इनको मैं जमा कर दिया हूँ आके ताकि दोस्तों वो आराम से जी पाए। और देखिए जो फॉरेस्टर साहब हैं वो जैसे वीडियो बनाने से मना कर दिए हैं ताकि मतलब ये इलीगल है जो वाइल्ड लाइफ होता है, तो इसी पर्पज़ से दोस्तों मना हो भी कर दिए हैं। हाय,